हमें लर्नर से क्रिएटर बनाना है। ऐसे टीचर्स हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में प्रोवाइड कराए जाएं, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई से कोई भागेगा। मुझे लगता है पढ़ाई उनके लिए एक, मतलब जैसे होता है ना, एंटरटेनर हो जाएगी। और मैम, आज के टाइम में जो हमारे मतलब याद करने वाली चीज़ें रहती है, हमारी जो पर्सनली जो स्टूडेंट की याद करने की चीज़ें रहती है, वो रहती है सन। हम सन को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। और हमें सबसे अच्छी ट्रिक हमारे सर ने, अजीत सर ने हमें बताई कि सन को हम कैसे रिलेट करके कैसी चीज़ों को याद करें। सेकेंड चीज़ हमारे पास कैलेंडर्स आज के टाइम में, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे मेन पॉइंट है कैलेंडर। तो कैलेंडर याद करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके अलग अलग ट्रिक्स होते हैं, अलग अलग यूट्यूब में अलग अलग ट्रिक आते हैं, बट वो कोई भी ट्रिक हमें कुछ भी याद नहीं करना। जो हमारे जिस सर ने बताया वो कोई ट्रिक नहीं है, वो कोई कुछ है नहीं, वो बस उन्होंने चीज़ों को रिलेट करके कैसे बनाना है वो बताया हमें। दैट्स अ वेरी बिग थैंक यू यू सर। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करूं तो वो एक बहुत छोटी बात हो जाएगी। अजीत सर ने हमें लिमिटलेस और काउंटलेस कंटेंट का याद करने का तरीका बता दिया, जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये शायद ही हम कभी सीख पाते हैं। थैंक यू सो मच सर इस चीज़ के लिए। और आपने हमें लर्नर से क्रिएटर बना दिया। मुझे लगता है कि हमारे स्कूल्स में 5-6 घंटे की क्लासेस होती है, ठीक है, उसमें हम बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करते हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि क्लासेस स्किप करें, बंक करें। जो बंक जैसा वर्ड है वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ यू नो, सबको ही क्या करते हैं, एक बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। मतलब ऊपर से कोई हमें डंडे मार रहा है, पढ़ना है तुमको, पढ़ना है। लेकिन अगर ऐसे टीचर्स हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में प्रोवाइड कराए जाएं, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई से कोई भागेगा। मुझे लगता है पढ़ाई उनके लिए एक, मतलब जैसे होता है ना, एंटरटेनर हो जाएगी। और वो मूवीज के तरह और अदर चीज़ें जिनको वो इंजॉय करते हैं, डांस वगैरह, तो मुझे लगता है कि हमारा इंडिया एक अलग ही लेवल पे जाएगा अगर इस तरीके से हर स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर क्रिएटिंग न्यू आइडियाज।